हेलो लर्नर्स, ये जियोग्राफी के चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में। तो फिर आइए, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ये तो जान चुके हैं कि फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपने लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स यानी कि वाटर, एयर और सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। 1960s और 70s में बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट ने डिमांड करी थी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया था। सर, इस एक्ट के इंप्लीमेंट होने के बाद क्या क्या मेजर्स लिए गए? ऐसा करने से गवर्नमेंट ने हंटिंग को बैन कर दिया, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज बनाई, कुछ स्पेशल एनिमल्स की स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल एटसेट्रा, और गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को लीगल प्रोटेक्शन दी। सर, तो फिर क्या सिर्फ इन्हीं एंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई? नहीं फ्रेंड्स, धीरे धीरे और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस एक्ट में ऐड किया गया। फॉर एग्जाम्पल, 1980s में बटरफ्लाईज और ड्रैगन फ्लाईज को भी प्रोटेक्शन लिस्ट में ऐड किया गया, और तो और 1991 में कुछ प्लांट स्पीशीज को भी प्रोटेक्शन दी गई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नाउ इट्स टाइम फॉर अ फैक्ट। इंडिया में इस टाइम पूरे वर्ल्ड के 70% टाइगर्स प्रेजेंट है। ये 70% टाइगर्स इंडिया में नंबर्स में सिर्फ 2200 के आसपास हैं। पूरे वर्ल्ड में इस टाइम 3800 से ज्यादा टाइगर्स नहीं हैं। दैट्स वेरी शॉकिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरेस्ट टाइप्स और कम्युनिटी कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।